नहीं, हमने तो शुरू से ही सबको बोला कि सबको लेकर के चलने का, हमने सब तो शुरू से ही सबको बोला है कि सबको लेकर के चलने का हमको काम करना है। लेकिन राजद में आप देख ही रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में किस तरीके से तेजस्वी को लेकर के गए हैं लोग कुशेश्वर स्थान, और हमारे बीमार पिता को भी उन लोगों ने कैंपेन में लेकर जाने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि और कोई भी लड़ाई हमको लड़ना है, कोई भी लड़ाई हमको लड़ना है और जीतना है, तो हम लोगों को सबको लेकर के चलने का काम करना है। और कांग्रेस जो है शुरू से हम लोग का सहयोगी रहा है, हम लोग उसके सहयोगी रहे हैं शुरू से। और सोनिया गांधी जी से भी लगातार पिताजी की बातचीत होते रहती है, और इस चुनाव के दौरान भी पिताजी से बातचीत हुई है, सोनिया गांधी जी की बातचीत लगातार। और हम तो कांग्रेस को शुरू से ही लेकर चलने का काम किए हैं। और संगठन में जैसे जगतानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा। हमारे छोटे भाई को कितना दर्द हो रहा होगा वो हम भली भांति जानते हैं। और नहीं, देख लीजिए, ये लोग आए हैं पार्टी को बर्बाद करने के लिए, जगतानंद सिंह जैसे लोग। और अभी शिवानंद तिवारी अभी पिताजी के साथ भोजन पा रहे थे, जिस थाली में खाते हैं उसी को बूढ़ा भला ये लोग बोलने का काम करते हैं। ये लोग आए थे केवल मजा लेने के लिए आते हैं ये लोग, और पार्टी से पॉलिटिक्स से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, पार्टी को बर्बाद करने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। महागठबंधन में जुड़े हैं, सबको हम लेकर के चलने का काम करते हैं। प्रताप जी, जिम्मेदार किसे मानते हैं आज जिससे जो आपने कहा दर्द हो रहा है? देखिए, जिम्मेदार वही लोग हैं जो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, और शुरू से ही पार्टी को ये लोग लगे हुए हैं बर्बाद करने में। इन लोगों का मकसद है कि राजद पार्टी को तोड़ दिया जाए, भाई भाई को लड़वाया जाए। तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं उन लोगों को, क्योंकि हमारा संगठन है और पिताजी का खून पसीना बहाया हुआ, अब मेहनत किया हुआ संगठन है। हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि पार्टी छोड़ के वो लोग चले जाए।